डींगधारी होना बड़ी बात नहीं है, चाहे ओआईसी में बैठकर तकरीरें करे या फिर भैंसों और गधों का व्यापार करके लोगों को खुशहाली के सपने दिखाए। 9 महीने से पाकिस्तान को नया पाकिस्तान का रट्टा लगाते हुए वह भट्टा बिठाया कि इस देश में विदेशी नेताओं ने अपनी यात्राएं ही बंद कर दी। सभी को एक ही डर है कि कहीं इमरान जनाब किसी कोने में ले जाकर भीख ना मांग ले। हालत यह है कि इस देश में वही नेता आ रहे हैं जो खुद इमरान खान के हालात से गुजर रहे हैं, मतलब भिखारी के घर भिखारी। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के द्वारा इमरान खान को अपने शपथ ग्रहण में ना बुलाने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि कई बिमस्टेक के नेता ये ना कह दे कि आए थे शपथ ग्रहण देखने, भिखारी गले पड़ गया। यानी इमरान जनाब यहाँ भी भीख मांगने की कोई कलाकृति तैयार कर सकता था। वैसे पाकिस्तान का यह भिखारी आजम इन दिनों भीख मांगने के कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इसकी हालत उस पजामे वाली हो गई है जिसका नाड़ा टूट चुका है और बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब रोज सपने देखता है, रोज वह हवाई हो जाते हैं। पर हवाई सपना तो FATF अब पाकिस्तान को दिखाने जा रहा है। वियोन अखबार की सूचना के अनुसार FATF के अधिकारी ने आधिकारिक नोटिफिकेशन से पहले ही पाकिस्तान की वेरिफिकेशन कर दी है कि भिखारियों और आतंकवादियों की यह भूमि ग्रे लिस्ट में ही रहेगी। यानी पाकिस्तान का बैंड अब बेसुरे राग से तब्दील होकर मातमी सॉन्ग में बदलने जा रहा है। बड़ी बात यह है कि ईद पर पाकिस्तान ने अपनी जनता से अनुरोध किया है कि वह मुल्क की तरक्की के लिए दुआ मांगे, मगर ऐसा कहते वक्त यह खटारा मुल्क भूल गया कि दुआओं से केवल आतंकवादी तैयार होते हैं, देश तो हरगिज नहीं। पर यह पाकिस्तान है, इस देश के ग्रे लिस्ट में भेजे जाने की खबर लीक होते ही ईद पर सजे बाजारों में तहमद और टोपी की बिक्री में जबरदस्त गिरावट आई। दुकानदार अपनी दुकानें समेटने लगे हैं, जो सूद पर पैसा देने के काम करते थे वह लापता हो चुके हैं। मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान जिस मदद की उम्मीद कर रहा था, अब उसके ग्रे लिस्ट में रहने से वह मदद बड़ी मुश्किल से मिलेगी। अगर मिलती भी है तो इस भिखारी मुल्क की पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि इस देश के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि यहाँ इस वक्त जिस बासी रोटी को खाया जा रहा है उसमें से भी कर्ज की बदबू आ रही है। पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में बने रहना किसी सदमे से कम नहीं है। पाकिस्तान ने इससे बाहर होने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया था। ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान करो या मरो की हालत में पहुंच गया था, पर अंत में पाकिस्तान मरा हुआ ही निकला। पाकिस्तान को पता था कि अगर वह एक बार ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया तो मुल्क की अर्थव्यवस्था की गाड़ी भी फिर से रेंगने लगेगी। उसके लिए पाकिस्तानी मस्जिदों के लाउड स्पीकर के वॉल्यूम तक हाई कर दिए गए थे, मगर दुआएं शायद काम न आई। पाकिस्तान का भिखारी मस्जिद के बाहर बिछे बिस्तर पर अब फिर से कटोरा बजाता दिखाई देगा। पाकिस्तान के पास जब ग्रे लिस्ट में रहने की आधिकारिक सूचना पहुंचेगी, तब यह देश अपनी कमियां तलाशने की बजाय नीले तहमद वालों को भारत विरोध की घुट्टी 420 पिलाएगा। यानी भारत ने उसे ग्रे लिस्ट से बाहर आने नहीं दिया। वैसे पाकिस्तान ने भारत को खूब मक्खन लगाने के प्रयास किए ताकि मामला नरम हो जाए। इमरान खान ने लोकसभा चुनाव से पहले ही मोदी की जीत की उम्मीद जता दी थी। बातचीत के पतीले खुद ही बजाने शुरू कर दिए, कुछ आतंकवादी भी पकड़े। पर भारत जानता है यह ईद की सिवैयों की तरह है जो केवल सीजनल है, मतलब यह मुल्क उस मतलबी गधे की तरह है जो शाम को बढ़िया चारे खाने की उम्मीद में अपनी कैपेसिटी से दुगना बोझा लेकर दौड़ता है। पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऐसे गधों को काबू करने वाला चाबुक है, वह 4 गुना बोझा डालकर भी पाकिस्तान जैसे मुल्क को दौड़ा सकता है, वह भी बिना चारा दिए। आतंकवादियों की शरण स्थली बने पाकिस्तान ने FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए बड़े बड़े नाटक खेले। यह मुल्क इतना नीचे गिर गया कि खुद ही अपने पाले आतंकवादियों से अपने सैनिकों को मरवाने से बाज नहीं आया। वजीरिस्तान, बलूचिस्तान और लाहौर तक इसने अनेक ऐसे हमले करवाए जिससे दुनिया की हमदर्दी पाकिस्तान को मिल सके। इसने यह भी साबित करना चाहा कि पाकिस्तान खुद ही दहशतगर्दी से पीड़ित है, पर अब यह घटनाएं रुक चुकी है। अब शायद ऐसे हमले ना हों, क्योंकि जिस मकसद के लिए यह सब हो रहा था वह पूरा नहीं हुआ। यानी पाकिस्तान कर कर भी मर गया। जिन्हें करो या मरो का मतलब ढूंढना है, उन्हें पाकिस्तान के इस खेल से अंदाजा हो जाएगा। मगर यह पाकिस्तान है, यह वह मुल्क है जिसका इतिहास काले पन्नों पर लिखा गया है। इस देश में लोग पैसा बचाने के लिए दाढ़ी नहीं बढ़ाते, बल्कि उनसे आतंकवादियों की वो फौज निकलती है जिनका निशाना निर्दोष लोग होते हैं। यह वो मुल्क है जहां मानव को मानवता से नहीं धर्म के चश्मे से देखा जाता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को इसे ब्लैक लिस्ट में प्रमोशन देकर भेजना चाहिए था। यह इस देश के उन दाढ़ीदारियों की उन्नति की कथा में शुमार भी होता। पर समझ से परे है, FATF से आखिर इतनी बड़ी चूक क्यों हुई? पाकिस्तान ने FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए जिन आतंकवादियों और सैनिकों की कुर्बानी दी, वह सब व्यर्थ चली गई।
दुनिया का यह एकमात्र देश देखने को मिला जो पिछले 1.5 महीने से अपने सैनिकों और सुरक्षा गार्डों को मार रहा था। लोग जरूर सवाल उठाएंगे कि अब इसमें एकदम से कमी क्यों आ गई, पर रोना तो उन गरीब पाकिस्तानियों का है जिन्होंने इस भिखारी आजम के बहकावे में आकर नया पाकिस्तान के नाम पर गाल बजाए थे। FATF ने उन्हीं गालों को पुचकारने की तैयारी कर दी है, पर इमरान खान नाम का यह भिखारी आजम आज भी कोई ना कोई सपना जरूर देख रहा होगा जिससे वह पाकिस्तानियों को कह सके आप घबराना नहीं। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।